ये वाईफाई स्ट्रिप बटन कैमरा है, ये लुक कैम ऐप में चलता है। मैं आपको इसको कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूँ। ये इसके साथ आता है, ये स्ट्रिप पत्ता है, ये हो गया कैमरा। ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये रीसेट का बटन है, ये चार्जिंग के लिए है, और ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है। देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है और ये चार्जिंग के लिए है। और ये चार्जिंग केबल, ये चार्जिंग केबल है चार्ज करने के लिए। और ये बैटरी है इसके, इसके साथ में अटैच हो जाती है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ये इसका यूजर मैनुअल, ये इसमें से भी देख के कर सकते हैं। ये लुक कैम ऐप का QR कोड है, इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके लुक कैम का ऐप सर्च कीजिए। इस टाइप का आइकन होते हैं इसके, ये देख लीजिए। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। वैसे इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता ही दूंगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वीडियो देखने के बाद। ये है इसकी बैटरी, ये इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। ये है चार्जिंग के लिए, ये पोर्ट इसमें लग जाएगी केबल, और इसको अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं आधा पौने घंटा तक, ये लगाने, ये बैटरी अटैच करने के बाद। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, स्लाइड करने वाला है। और ये रीसेट का बटन है, ये काले वाला है, ये प्रेस वाले है। 2-3-5 सेकंड के लिए दबा के रखना होता है रीसेट करने के लिए। रीसेट तब करना है जब कभी आपको प्रॉब्लम आती है कनेक्ट करने में। तो अभी कनेक्ट करके चेक करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे कनेक्ट होगा, रेड वाली तार जिस तरफ रहेगी उसी तरफ से, और दूसरी तरफ से घुसेगी भी नहीं, घुसेगी भी नहीं है, ये इस तरफ से घुसेगा। ये देखिए ऑन हो गया, ये स्विच हमारा ऑन ही था तो इसलिए ऑन डायरेक्ट लाइट जल गया। अभी इसको हम बंद करते हैं, ये स्विच है बंद करने के लिए ऑन ऑफ का। अभी ऑन कर लेते हैं, इसको कनेक्ट करके देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है। अभी हम ऐप सर्च करेंगे लुक कैम, ये देखिए मेरे पास तो डाउनलोड है। अपडेट मांग रहा है तो अपडेट नहीं करूँगा मैं, अभी मेरे पास डाउनलोडेड ही है, तो मैं डाउनलोड जहाँ पे है उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए इस तरह का आइकन होता है, ये देखिए मेरे पास, मैंने पहले इसको कनेक्ट किया था एक बारी तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से तो ये नहीं दिखेगा, मैं डिलीट करता हूँ इसको पहले, फिर दोबारा से करके दिखाता हूँ। पहले हम वाईफाई में जाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस कैमरा का आईडी है, ये वाईफाई आईडी, ये इस तरह का आईडी आएगी, इसको कनेक्ट करना है। मैंने पहले कनेक्ट कर रखा था तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो अब चलते हैं ऐप पे, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अगर नहीं आता तो यहाँ से ऐड कीजिए, ऐड ऑनलाइन कैमरा, इस
ऐड बाय लाइन कीजिए, यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ से कनेक्ट करना है। मेरा तो कनेक्टेड ही है तो इसलिए एग्जिटिंग आ रही है। तो अभी बैक करते हैं हम। ये देखिए ये कैमरा, कैंसिल कीजिए। ये देखिए ये आगे कैमरा हमारा, वो कुछ पैनारोमिक कैमरा लगी हुआ है तो उसकी फ़ोटो देखिए आ रही है। अब ये हो गई, कैमरा से डायरेक्ट हॉटस्पॉट, कैमरा के हॉटस्पॉट से कनेक्ट है। तो इसको हम अपने वाईफाई से कनेक्ट करनी हो, हमारे पास तो अभी वाईफाई नहीं है, मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट होगी। तो ये सेटिंग के अंदर जानी है, वाईफाई सेटिंग, ये दिख रहा है, ये वाईफाई सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे, कैमरा टू रिबूट होगी। अभी हमारे पास वाईफाई नहीं है कोई, तो अभी यहाँ से अगर वाईफाई से कॉन्फ़िगर करनी हो तो डायरेक्ट यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, सेटअप ऑनलाइन डिवाइस, सेटअप डिवाइस वाईफाई कनेक्शन, यहाँ से क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपका वाईफाई होगा घर का, जो भी आपने वाईफाई लगा रखा है, हमारे आसपास में जितने भी सारे शो कर रहे भी यहाँ पे, जो आपका वाईफाई होगा तो ये वो भी शो कर जाएगा यहाँ पे, तो उसको कनेक्ट कीजिए। पासवर्ड मांगेंगे आपके वाईफाई की, पासवर्ड डालिए, थोड़ी देर के लिए रिबूट होगी और उसके बाद ऐसे ऑनलाइन डिवाइस दिख जाएगा। तो उसके बाद आप मोबाइल के इंटरनेट से कहीं पे भी जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे कैमरा रखोगे वहाँ पे वाईफाई का रेंज आनी चाहिए, उस वाईफाई का जिस वाईफाई से आप कॉन्फ़िगर करोगे, और हमेशा वाईफाई चालू रहनी चाहिए, तभी आप कहीं पे भी लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑन करके। मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।